अस्सलाम वालेकुम। तो वो लास्ट वीडियो पीछे मैंने आपको दिखाई थी कि हमारे जो ना सब्जियां वगैरह उग रही हैं, तो ये देखिए अभी फूल उग चुके हैं। एक ये सनफ्लावर मरा उग चुका है और एक उधर भी है सनफ्लावर, वो भी देख रहे हैं अभी कितना प्यारा लग रहा है। एक ये भी सनफ्लावर मरा उग चुका है, इसके अलावा गुलाब के फूल भी मरे उग रहे हैं। दोबारा से खिजा है तो ये देखें, ये दो फूल भी उग रहे हैं। और इसके अलावा सब्जी वगैरह भी काफ़ी निकल रही है। अब यहाँ पर मैंने डिफरेंट, ये टमाटर है हमारे, ये भी जो है ना पीछे उग रहे थे, काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, पनीरी जिसे बोलते हैं छोटे छोटे पौधे ना, तो मैंने उसमें से निकाल के इधर लगा दिए। ये भी बड़े हो जाएंगे। ये छोटे छोटे मिर्चों के पौधे हैं, ये उग रहे हैं। ये मैंने बेलें लगाई थी लेकिन तो जल चुकी हैं। इसके अलावा ये हमारे फूल हैं, ये भी खिलना शुरू हो गए। ये थोड़ा सा, ये सारे जल गए थे, ये फूल हैं सारी, ये जल गए थे लेकिन दोबारा निकल रहे हैं नीचे। ये हमारा मोतिया का फूल, ये भी उग रहा है। और उसके अलावा ये देखिए जी, ये हमारे खरबूजे हैं, ये हमारे वो है क्या नाम है खीरा, और ये भी सनफ्लावर है। नीचे टमाटर उग रहे हैं यार, और ये भी खीरा ही है। इसके नीचे भी मैंने टमाटर के पौधे लगा दिए हैं नीचे। ये पनीरी थी दूसरी तरफ उगी हुई थी, मैंने वहाँ से निकाल के यहाँ लगा दी है मैं सनफ्लावर, कितना प्यारा लग रहा है। और इधर भी हमने लगाए हुए हैं, छोटे छोटे उग रहे हैं। इधर भी मैंने बेलें लगाई थी, जल चुकी हैं। और इधर भी मिर्चें टमाटर शमाटर की वो चीज़ें उगी हैं। और ये देख रहे हैं, ये भी टमाटर है, साथ में भिंडी वगैरह भी उगी है। और ये हमारे करेले, तो ये हमारी प्रोग्रेस है भाई, काफ़ी कुछ उग चुका है। और सामने भी मैंने जो घर में लगाए थे वहाँ पे भी काफ़ी कुछ पौधे वगैरह उगे हैं। यहाँ से मैंने कुछ सनफ्लावर भी उतार के वहाँ पे लगाए हैं। तो अगेन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि और यहाँ पे कितने पौधे उग चुके हैं और मज़ीद हमने यहाँ पे क्या और एड ऑन किया है।